बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल प्रोग्राम, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, ये सारे फंक्शन बैंक के लिए जो यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रोग्राम हमारे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में, या जो मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर बैंक से हम अगर लोन के लिए अप्रूवल ले रहे हैं, तो उनकी मंथली वो सैलरी के हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं लोन अप्रूव करने के लिए, आपकी मंथली या फिर उसकी जो भी कैलकुलेशंस होंगी, टर्म्स होंगी, जो कंडीशंस हम चार्ज, कोई अगर कस्टमर हमसे लोन ले रहा है तो उसका रिटर्न कितने टाइम में कितने परसेंट के हिसाब से करेगा, बिगिनिंग पीरियड क्या होता है, जीरो अगर लगाते हैं और वन स्टार्टिंग एंड ऑफ पीरियड क्या होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ आज की इस वीडियो के अंदर चीजें क्लियर करूंगा मैं। तो एडवांस में लाइक कर दीजिए, फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पीएमटी फंक्शन, इंटरेस्ट 10% है, लोन अमाउंट ले रहे हैं 50,000 और ड्यूरेशन है 10 मंथ। ठीक है जी, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ईयर कर सकते हैं, 2 साल, 5 साल, लोन को आप 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इंटरेस्ट रेट जितने परसेंट आप चार्ज कर रहे हैं, 12%, 15%, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, तो पीएमटी से हम कैलकुलेट करेंगे रेट हमारा या गया, डिवाइड कर देंगे, 12 ये एनुअल होता है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम मंथ में, कॉमा के बाद नंबर, पीरियड में ड्यूरेशन आ गया हमारा। अगर ड्यूरेशन ईयर में लिखा हुआ है 1 तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, यानी अगर 2 साल है हमने 2 लिखा हुआ है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद सेल मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो हमारे पास मंथ में लिखा हुआ ही है तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉमा। उसके बाद आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो लोन की वैल्यू आ रही है ये आ रही है लोन की अमाउंट 50,000, तो इसको क्लिक करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर। अब देखें अगर 10 महीने के लिए 10% के हिसाब से 50,000 का लोन ले रहे हैं, तो आपको 10 महीने बाद आपको पे करना होगा ये 52,32,32। तो इसकी टोटल पेमेंट्स क्या होगी, टोटल पेमेंट्स के लिए हम यानी मंथली आपको जो पे करना है वो 52,232 देने हर महीने की। तो अगर हम 10 महीने तक पे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मंथ, और मंथ के बाद अगर हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करें तो टोटल पे को माइनस कर देंगे यहाँ पर हम लोन अमाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है जी, तो यहाँ तक ये आपसे अमाउंट दिखा रहा है कि लोन अमाउंट 50,000 पे ड्यूरेशन 10 मंथ में रिटर्न करेंगे 10% इंटरेस्ट के साथ, तो आपका ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी 5,232 रुपये, टोटल जो पे करना है आपको 5,220, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है टोटल से, तो हमारे पास यानी जो कंप्लीट इंस्टॉलमेंट पेमेंट जाएगी वो जाएगी 52,320। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के लिए जो हमने करा है, यहाँ पर इंटरेस्ट को हमने क्या किया है, टोटल पे को माइनस करा है, यहाँ पर लोन अमाउंट तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इसके लिए हम टोटल पेड को या फिर यहाँ जो हमारी ईएमआई आ रही है इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, माइनस कर देंगे जो लोन अमाउंट सेल सेलेक्ट किया है, एंटर। तो अब देखें सही अमाउंट आएगा यहाँ पर हमारे पास जो ईएमआई मंथली जाएगी वो ये, और इसको भी अगर डॉलर साइन हटाना है कॉमा यहाँ से क्लिक करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका डॉलर साइन ऐड हुआ हुआ आता है, तो आपको टोटल पे करना होगा 50,000 लोन के ऊपर जो कंप्लीट 10 महीने के अंदर 50,230 इस तरह से, तो 52,320 और 2,320 उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, और 50,000 जो होगी वो आपकी लोन पेमेंट होगी। तो ये तो हमने कर लिया मैनुअल। अच्छा, अब एक और इसके अंदर अगर हम कंप्लीट बात करें, मैंने कहा था एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, तो यहाँ पर अगर हम एंड ऑफ पीरियड में जाए, प्रेजेंट वैल्यू हमने ये सिलेक्ट कर ली लोन अमाउंट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू का भी काम नहीं है, कॉमा लगाए तो यहाँ पर ये जीरो एंड ऑफ द पीरियड और बिगनिंग ऑफ द पीरियड का ऑप्शन भी देता है, तो यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द पीरियड यानी अगर 1 मंथ के लिए ले रहे हैं और यहाँ पर मैं कर दूँ एंड ऑफ द पीरियड यानी इस मंथ के एंड में मुझे रिटर्न करनी है ये वैल्यू, तो फिर क्या हमें पे करना पड़ेगा अमाउंट। और अगर मैं 1 महीने के लिए रहा हूँ और आज लेकर आज ही मैं क्लियर कर रहा हूँ तो उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, 0% इंटरेस्ट होगा, तो इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे मैं अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मंथ अभी मैंने यहाँ पे कर दिया 1, ठीक है जी, तो ये यहाँ पर क्या दे रहा है आपको 50,416। अगर मैं यहाँ पर आपको कॉमा के बाद डबल कॉमा लगाऊँ, फ्यूचर वैल्यू स्किप कर दी मैंने, जीरो कर दूँ, तो यहाँ पर ये आ गया 50,400, यानी अगर मैं यहाँ पर 1,000 रुपये ले रहा हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 10,000 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10,800 तकरीबन 833 रुपये जो होंगे वो हमारे 83, तो वो हमारे जो होंगे वो तकरीबन
चार्ज होंगे जैसे 1 लाख के ऊपर 8,300 833 जो होंगे वो हमारे चार्ज होंगे। और अगर मुझे इस महीने के फर्स्ट में ही आज देकर आज रिटर्न करना है तो मैं 0 की जगह 1 करूंगा, तो ये जो लोन अमाउंट है वही अमाउंट हमें शो करेगा। ठीक है जी, तो कोई इंटरेस्ट इसका चार्ज नहीं आ रहा, 0 इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 0 और 1 का भी मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है जी, और अगर इसको लेकर मैं इस महीने के एंड में रिटर्न कर रहा हूँ यानी 1 मंथ के लिए लोन ले रहा हूँ, तो 0 लगाएंगे एंड ऑफ द पीरियड, तो तकरीबन 10% जो होगी वो इंटरेस्ट के साथ जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगी। तो ये कैलकुलेटर बन गया, आप इस प्रोसेस को यूज करते हो। ठीक है जी, तो 0 तक आपने कंप्लीट करना है। अब इसमें जो भी लोन एंटर करेंगे आप वैल्यू जितना लाख लिखेंगे यहाँ पे और जितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 24 महीने के लिए ले रहे हैं तो मैंने 24 लिख दिया, तो इस तरह से आपकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे 5 साल के लिए ले रहे हैं 60 मंथ, तो यहाँ पर उनका EMI क्या जाएगा मंथली यानी, और फिर उसकी टोटल कितनी बनेगी वैल्यू, उसका टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर आपकी ऐड होकर आ जाएगी। ठीक है, ये परसेंट भी चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। और इसकी अगर इक्वली जैसे 10 मंथ के लिए हम ले रहे हैं और 10 मंथ के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 5 लैक्स, ठीक है जी, 5 लैक्स ले लें या 50,000 ले लें, तो ये उनकी टोटल पेमेंट है, टोटल इंटरेस्ट। तो इसके लिए एक छोटा सा आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके लिए मैं यहाँ पर सीरियल और इधर हम लगाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इंटरेस्ट, IPMT पेमेंट टर्म्स के लिए यूज होता है, PPMT, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल। अब टोटल यहाँ पर क्या है, 1 से लेके 10 तक की ड्यूरेशन है, तो यहाँ से मैंने इसको 10 तक ड्रैग कर लिया, फिल बोल्ड, और यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे IPMT। अब इसमें रेट आ रहा है तो रेट ये सेल हो गया, F4 करेंगे, इसको ड्रैग करने से करना है तो इसको हम फिक्स कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12। पीरियड अब आ रहा है 1, तो फर्स्ट मंथ की बताएं कॉमा, फिर नंबर ऑफ पीरियड में कर देंगे हम ड्यूरेशन F4 कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो लोन अमाउंट की आ गई F4, और इसको भी माइनस कर देंगे यहाँ पर, कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ये जा रहा है हमारा, ठीक है जी, ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ हर मंथ का जो पीरियड होता है इंटरेस्ट का वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है, एक अमाउंट नहीं रहता है, हर महीने का इंटरेस्ट चेंज होता है। इसी फंक्शन को हम यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करेंगे डबल क्लिक फर्स्ट सेल से, और PMT में आके कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, F2 जहाँ I आ रहा है वहां पर हम कर देंगे P एंटर, और इन दोनों को प्लस करेंगे, ड्रैग कर लेते प्रिंसिपल भी, तो इन दोनों का टोटल हमारे पास ये वाली अमाउंट आनी चाहिए जो EMI आई थी हमारी 5,232 हर महीने की। तो इन दोनों का प्लस जब करेंगे एंड ऑफ मंथ तक 10 तक, तो ये सेम अमाउंट होनी चाहिए अगर आपका फॉर्मूला सही है। तो एक छोटा सा टेबल मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया, आप जितना बड़ा भी आप लोन बना रहे हैं, लोन दे रहे हैं जितने महीने का, उसकी टर्म के हिसाब से ड्रैग होगी कंडीशन, और ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए कि एक्चुअल पेमेंट कितनी आ रही है और उसमें जो इंटरेस्ट जा रहा है हर महीने का वो कितना जा रहा है। टोटल जब करेंगे तो वो अमाउंट हमारा इक्वल EMI वाला ही आना चाहिए हर मंथ का। बाय डिफॉल्ट डॉलर के लिए मैंने बताया, तो नॉर्मल करना कॉमा के लिख कर लें यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से आपकी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये एक शेड्यूल था हमारा, इस तरह से ये फार्मूला मैंने क्लियर कर दिया आपको, A to Z, PMT का फंक्शन, IPMT और PPMT। अब आ जाते हैं यहाँ पर EMI कैलकुलेट के लिए। अगर हमें 50,000 जो है वो लोन लेना है, ठीक है, और उसका रेट जो है 5% है और टर्म्स जो है वो 2 साल है, तो हमें मंथली EMI क्या देनी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर इक्वल PMT, रेट सेलेक्ट करेंगे डिवाइड 12, डिवाइड 12 के बाद नंबर ऑफ पीरियड के अंदर ये सेल आ गया, और फिर कॉमा लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारी नहीं है, कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्लिक करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंटर। अच्छा डबल क्लिक कर रहा हूँ यार, टर्म्स 2 मंथ नहीं है, ये 2 साल है, तो इसको हमने जो सिलेक्ट करा मल्टीप्लाई कर देंगे 12। ठीक है जी, तो मंथली हमारी ये अमाउंट हमें भरना पड़ेगा 2 साल तक, तो हमारे जो होगा 50,000 लोन हमें मिल जाएगा 5% के साथ रेट इसका। ठीक है जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट 6%, EMI ये आ गया और पीरियड ये आ गया। अब जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं हम, कंपनी आपसे कहती है कि इतना डिपॉजिट कर दें आप, इतने टाइम तक कर दें तो इतने परसेंट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई घर में सेविंग रखते हैं अपनी, तो इतने अमाउंट को अगर हम इतने टाइम तक रखते हैं अपने पास, तो हमारे पास 6,600 बने,
एक मिसाल दे रहा हूँ मैं इसकी आपको, ठीक है? इसको मैंने कॉपी करा और पेस्ट। लेकिन अगर यही इंश्योरेंस कंपनी में, बैंक में हमारे जैसे डिपॉजिट की ऑफर करती है, इतना अमाउंट देते, तो आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा उस पर इतने परसेंट, तो फिर हमारे पास क्या कैलकुलेशन होगी इस हिसाब से। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल एफ पी, फ्यूचर वैल्यू रेट आ गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12। नंबर ऑफ पीरियड आ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड 12 आ गए, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, पीएमटी। पीएमटी जो होगी मंथली अमाउंट हमारी, वो सेल क्लिक ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर ये अमाउंट जो होगा वो, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था या कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो क्लियर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया था इसके साथ। यानी अगर नॉर्मल हम घर में सेविंग करते हैं तो इतने टाइम तक ये अमाउंट हमारा इतना रहेगा, यानी कोई इसमें इंक्रीजमेंट ये हमारे नहीं लग रही, ऐड नहीं हो रहा अमाउंट। लेकिन अगर हम बैंक में रखवाते हैं और इतने परसेंट हमें मिलता है, तो ये अमाउंट आपका रिटर्न करेगा इतने टाइम बाद आपको, ठीक है जी? ये कोई इंश्योरेंस कंपनी भी या बैंक आपको अगर ऑफर कर रहा है, तो बेनिफिट हमारा ये है कि हम अमाउंट रखकर इतना कैश करवा सकते हैं अपना, ठीक है? अगर इस पर रेट बढ़ जाते हैं तो और अमाउंट आपका ज्यादा हो जाएगा इसका। तो ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, अगर हमें लोन के लिए अप्रूव करता है, ठीक है जी? अब वो हमें अगर मिसाल के तौर पे सैलरी के हिसाब से आपका क्राइटेरिया देखा जाता है, यानी अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्रूव कर रहे हैं, तो आपकी मंथली सैलरी क्या है, कितना ईएमआई आप हर महीने दे सकते हैं, तो ये बैंक कैलकुलेशन आपसे पूछता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 50,000 आपकी सैलरी है, और उस पर आपसे कहा जा रहा है बैंक, अगर आप 15,000 मंथली दे सकते हैं या आप 10,000 दे सकते हैं, तो वो आप बताएंगे, वो ईएमआई इंटर होगी आपकी, यानी हर महीना आप ये दे सकते हैं। फिर बैंक अपना रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ये होगा, और फिर उसका पीरियड कितने टाइम तक देने होंगे तो आपका लोन अप्रूव होगा, कि इतना लोन आपको बैंक की तरफ से मिल सकता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन प्रिंसिपल वैल्यू, ये पीवी जो है प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो इसके लिए भी हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वल पीवी लगाएंगे, रेट आ गया इंटरेस्ट, डिवाइड कर देंगे 12, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड आ गया यहाँ पे 60, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर कॉमा लगाने के बाद पीएमटी वैल्यू जो होगी वो हमारी मंथली इक्विटेड अमाउंट, ये आ गई, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंटर। तकरीबन 5 लाख का लोन आपको मिल सकता है, अगर आप हर महीने हम 10,500 बैंक को देंगे 10% इंटरेस्ट के साथ, पीरियड आपका 60 मंथ है, तो ये आपको मिल सकता है। और अगर आपकी सैलरी इतनी है तो बैंक आपसे पूछेगा, जब जाके ये शेड्यूल फाइनल होता है, तो उस हिसाब से बैंक इधर इंटर करेगा इतना अमाउंट कि आपको इतना लोन अप्रूव कर सकते हैं। यानी सैलरी ज्यादा है, अगर आप 20,000 मंथली दे सकते हैं, तो आपको फिर इस तरह से वो बताएगा कि 10 लाख तक तकरीबन आपको लोन मिल सकता है 60 महीने के अंदर 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है जी? तो ये वो हेल्पफुल और मोस्ट यूजफुल पावरफुल फंक्शन थे जो बैंकिंग लाइन की फील्ड में, इंश्योरेंस कंपनी की फील्ड में, या मंथली इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन के अंदर, ईएमआई, फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, आईपीएमटी, पीपीएमटी, पीएमटी, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो उसी तरह से आपके भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है कम टाइम में, और ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करी हैं। कुछ रह गया हो जो अकॉर्डिंग आप इसमें जानना चाह रहे थे और नहीं हुआ, तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी फिर आपको शेयर भी करनी है दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा भरपूर लाइक्स करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको देखने को, सीखने को शायद यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे और मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक करना आपका बनता है फिर, और जो है फर्स्ट जो देखने इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तुरंत नोटिफिकेशन के लिए पहले आइकन पे लाजमी क्लिक करें, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो फर्स्ट देख रहे हैं इस वीडियो को। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।